दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के एक्टिव बास्टेबल कंट्रोल लाया हूँ। ये सिंगल सप्लाई में चलने वाला है, बास्टेबल है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, विथ लॉडनेस। सिंगल सप्लाई विथ लॉडनेस है और इसकी डिजाइन बहुत सिंपल है, सॉबर में है और इसकी डिस्टॉर्शन वगैरह, नॉइज वगैरह बास्टेबल में आपको कुछ भी जीरो डिस्टॉर्शन है। और ये एक्टिव बास्टेबल है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन वगैरह। ये आपका इनपुट है, यहाँ पे ये आउटपुट है। डिजाइनिंग बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, बहुत सोबर तरीके से, क्योंकि इसकी डिस्टॉर्शन वगैरह जो है लाइन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से बनाया गया है। डिजाइन काफ़ी अच्छा है और सर्किट भी बहुत ही अच्छा है। सिंगल सप्लाई में लोगों की डिमांड थी कि सिंगल सप्लाई में 4 ट्रांजिस्टर जो 12 वोल्ट से डीसी 24 वोल्ट तक हो, तो ये आप कोई भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, 5200 में लगा सकते हैं या कोई भी एम्पलीफायर 7294 में या 7297 में, तो काफ़ी अच्छा चलता है ये। और इसमें खासियत बात है, इसमें लॉडनेस क्या हुआ है, और ये लॉडनेस की काफ़ी अच्छी इफेक्ट है, मैंने टेस्ट करा किया हूँ। और ये लॉडनेस, बहुत से जन बोलते हैं कि लॉडनेस मारता हो कुछ भी काम नहीं करती है, लॉडनेस लो वॉल्यूम में काम करती है, याद रखिएगा। जब 1, 2, 3 वॉल्यूम आप करेंगे, जब लो वॉल्यूम में गाना सुना हो तो लॉडनेस आप देंगे, तभी वो लॉडनेस आपको इफेक्ट बेस बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या है, आप फुल वॉल चार की आवाज़ उठाएंगे तो लॉडनेस आपको समझ में नहीं आएगी क्वालिटी, ओके। और इसमें देखिए कंपोनेंट्स वगैरह सारा इंपोर्टेड कैपेसिटर लगाया गया है और ये 12 वोल्ट डीसी से 24 वोल्ट तक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बास्टेबल है। और ये देखिए बैलेंस निकाला गया, कनेक्शन परेशानी नहीं होगी आपको वायरिंग में, बहुत सिंपल सा निकाला गया है। देखिए बैलेंस की वायर यहाँ निकाली गई है, वॉल्यूम की यहाँ पे है, ट्रिबल की यहाँ है, बेस के लिए यहाँ है, सप्लाई एकदम अलग है, ओके। और इसमें पॉलिस्टर दिया गया है, देखिए आपका आउटपुट में पॉलिस्टर कैपेसिटर दिया गया है यहाँ पे। और इसमें कंपोनेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, पीसीबी भी अच्छी क्वालिटी की है, कलकत्ती की बनी हुई है और विद मास्किंग है। और ये बास्टेबल की गेन बहुत अच्छा है, आप किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं, शायद 44-40 में भी लगाएंगे तो चल जाएगा। इनपुट इंपेडेंस थोड़ा मैच करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करना होगा, बाकी ये हाई वोल्टेज के लिए बहुत अच्छा बास्टेबल है। 5200 में भी चलाइए, बहुत बेहतरीन चलती है, बहुत ही अच्छा गेन है ये, ओके। और आप लोग से गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ओके। बाय बाय।